हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड वीडियो अब तक जो मुझे आई आफ्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर वाली वीडियोस, कि व्हाट टू पैक इन अ हॉस्पिटल बैग। सो एज़ यू कैन सी, मैंने दो बैग्स तैयार कर लिए हुए हैं। दिस वन इज़ फॉर मी एंड दिस वन इज़ फॉर माई बेबी। और ये साथ नेक रेस्ट है, इसको भी मैंने यहाँ पर रख लिया हुआ है। बेसिकली अभी तो टाइम नहीं है जाने का, लेकिन इट्स बेटर टू पैक द बैग्स ऑन योर 38th, यानी कि जब आपका 9th मंथ स्टार्ट हो, तो आप के लिए ये अच्छा है कि आप अपना बैग पैक करके रख लें, ताकि इन एनी केस अगर इमरजेंसी में आपको जाना पड़े, किसी भी टाइम जाना पड़े, तो वो एकदम से हैसल ना हो कि ये चीज़ किधर है, वो चीज़ किधर है। तो इट्स बेटर कि आप उसको पहले ही पैक करके रखें। इतने शौक से कभी बाजार में अपना स्कूल बैग पैक नहीं किया होगा जितना शौक से ये वाला। असल में मैं आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। असल में मैंने इस वजह से भी कर लिया कि अर्जेंसी एकदम से हो जाए, अल्लाह ना करे या कुछ भी, तो एकदम से चीजें नहीं मिलती, इंसान पैनिक हो जाता है, और जो चीज सामने पड़ी हो वो भी नजर नहीं आती। आपने आपने क्या, वहां मैं वेकेशन गुजारने जा रही हूँ। सो ये दो बैग्स हैं। इससे पहले कि आप लोग पूछें ये बैग्स कहाँ से लिए हैं, दिस वन इज़ फ्रॉम प्राइमार्क। ये मैं अपना यूके से जब वापस आई थी तब मैं लेकर आई थी। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर, मुझे नहीं याद मैंने ऑर्डर किया था। मैं पेज सर्च करके यहाँ पे, अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और ये जो नेक रेस्ट है, दिस वन इज़ फ्रॉम मिनीसो। ये मैंने फॉर मतलब कि बस इस वजह से रख लिया कि हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए समटाइम्स नेक, क्योंकि मैंने सुना है और जितना मैंने देखा है कि हॉस्पिटल के जो पिलोज होते हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, और आप अपने पिलो पे ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। सो अगर तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरा वाला पिलो भी मंगवा लूँगी जब ज़रूरत पड़ी। वैसे मैंने अभी फ़िलहाल ये नेक रेस्ट साथ रखा है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि बैक के अंदर क्या है। सबसे पहले मम्मी का दिखा देती हूँ, उसके बाद बेबी का दिखा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस बैग से बाहर निकाल ली हैं। इट सीम्स लाइक कि मैं ट्रिप के लिए सामान पैक कर रही हूँ, बट प्लीज़ डोंट जज मी फॉर दैट। जो जो चीज़ें मुझे समझ आई, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, और जितना मैंने सर्च किया था, ये जो चीज़ें मुझे समझ आई मैंने रख ली हैं। बेसिकली मैंने 2 नाइट सूट्स रखे हैं, बिकॉज ये सबसे ईजी चीज़ है, सबसे कम्फर्टेबल क्लोथ्स आपने रखने होते हैं। सो मुझे ये वाले नाइट सूट स्पेशली मैंने ऑर्डर किए थे लार्ज साइज़ में, अपने आफ्टर डिलीवरी के लिए ही। तो ये वो 2 नाइट सूट्स हैं जो मुझे खुले हैं, कम्फर्टेबल हैं, ये 2 मैंने रख ली हैं। तीसरा मैं पहन के जाऊँगी। एक साथ मैंने स्कार्फ रख ली है इन केस अगर आपको लेना पड़े। साथ मैंने थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें रख ली हैं, अगर किसी टाइम भूख लग जाए तो आपके पास थोड़ी बहुत चीज़ें होनी चाहिए। वैसे तो वहाँ से मिल जाती हैं, बट मैंने फिर भी फॉर सेफर साइड रख ली। अपने अंडरगारमेंट्स आप लोगों ने रखने, इसके बाद वाइप्स रख लें। आप ड्राई टिश्यू रखना चाहते हैं ड्राई रख सकते हैं, वाइप्स रखना चाहते हैं वाइप्स रख लें। मैंने एक फेस वाइप्स रखे हैं, एक दूसरे डिसइंफेक्टेंट वाइप्स रखे हैं, साथ एक बॉडी स्प्रे मैंने रख लिया, साथ साथ ये नेक रेस्ट है। इसके बाद एक आपने स्लाइडर्स अपने रखने हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल स्लीपर्स होते हैं वो रख लें। साथ सॉक्स रख लें, बिकॉज मैंने जितना वीडियोस वगैरह में देखा उसमें ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर कभी ऊपर नीचे होता है, तो आपको हो सकता है कि सर्दी लगे, तो उसके लिए मैंने एहतियातन 2 सॉक्स रख लिए हैं। उसके साथ साथ ही अपनी टॉयलेट्रीज आपने रखनी है, लाइक ये टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश। इसके अलावा भी कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं तो आप रख लें, मैं बस यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। एक मैंने मिरर रखा है, साथ मैंने ब्रश रख लिया है, और साथ अपना चार्जर मत भूलिएगा, और ये सैनिटाइज़र तो लाजमी है, ये तो सबके पास ही होगा, जो भी साथ साथ जाएगा सबके पास सैनिटाइज़र होगा। इसके बाद ये, इसके लिए मुझे आप लोगों ने जज नहीं करना, एंड प्लीज़ डोंट सेंड हेट के मेकअप, आप मेकअप की चीज़ें क्यों रख रही हैं, मेरी खुशी है इसमें, इस वजह से मैं रख रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ है या किसी को नहीं रखना तो वो ना रखे, क्योंकि मैं सारी चीज़ों की वीडियो बना रही हूँ, सो मैं इसको भी कवर कर रही हूँ। मेकअप की कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने बेबी से तैयार श्यार होकर खुशी से मिलूँ, सो मैं सारी चीज़ें मेकअप की भी रख रही हूँ, परफ्यूम अपना, अपना बॉडी बटर, इसके अलावा जो भी मेकअप के एसेंशियल्स जो डेली के मेकअप में आप इस्तेमाल करते हैं वो मैं साथ रख। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सैनिटरी पैड्स आपने रखने हैं, जो कि मैं ऑलरेडी नीचे वाले जिपर में रख चुकी हुई हूँ, वो आई होप कि हर फीमेल को पता है कि उन्होंने रखने हैं। एंड दिस इज़ इट, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, इस तरह से हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम चलते हैं बेबी के बैग की तरफ। तो ये सारी बेबी की चीज़ें हैं जिनको मैंने अनपैक कर दिया है, एंड
माशाल्लाह 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 कितनी क्यूट लग रही हैं, अल्लाह ताला बस उसको नसीब करे, आमीन आमीन। ये सबसे पहले आपको बता देती हूँ, ये फीडिंग पिलो है और बेबी का जो है वो ये 4-in-1 जैसे कि आप देख सकते हैं, फीडिंग पिलो कुशन नर्सिंग पिलो है जिसमें बेबी को आप सपोर्ट भी दे सकते हैं और फीडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अभी उसको सपोर्ट तो नहीं चाहिए होगी, सो मैं ये कैरी कर रही हूँ उसको फीडिंग पर्पज़ के लिए। ये जो है ये बेबी नेस्ट है, इसमें सारा बेबी को तैयार करके इसमें हम डालेंगे, यहाँ से इस पेंगुइन के अंदर बेबी जाएगा। ये जलाल की चॉइस है। और इसके बाद ये बेबी टॉवल है, एक टॉवल ही मैं साथ रख रही हूँ। ये बेबी ब्लैंकेट है इन केस के वहाँ पे कोई रूम टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, उसको अगर ज़रूरत हुई तो ये टॉवल। ये दोनों बेबी स्वाडल रैप्स हैं बेबी को रैप करने के लिए, लाइक हम लोग जैसे आउटफिट पहना के कपड़े पहना के इसमें रैप करके इसमें डालते हैं, इस तरह से ये सारा प्रोसेस है। उसके बाद बेबी वाइप्स मैंने रख लिए हैं, 3 बिब्स मैंने रख लिए हैं। ये पैम्पर्स हैं, इसमें 2 हैं, अगर और चाहिए हो तो वहीं से ले लेंगे, 2 पैम्पर्स मैंने रखे हैं। ये छोटी वाली चीज़ें स्पेशली मैंने हॉस्पिटल के लिए ली थी, छोटू सा पाउडर है, ये छोटू सा बेबी लोशन है, ये बेबी ऑयल है, ये बेबी सोप है, ये बेबी वैसलीन है और ये बेबी शैम्पू है। इसमें जो जो चीज़ें भी चाहिए हुई वो यूज़ हो जाएंगी, जो नहीं चाहिए वो वापस घर आ जाएंगी। ये बेबी फेस टॉवल्स हैं, ये छोटा सा मैंने रख लिया है फीडर, बिल्कुल छोटू सा है इन केस अगर चाहिए हुआ पानी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। जो सो रहे हैं नींद में। और ये जो है बेबी का नाइट वेयर है, ये नाइट वेयर है, 2 नाइट वेयर्स रख लिए हैं। और ये 3 आउटफिट्स हैं, आपने क्या पिकनिक पे जाना, ये 3 आउटफिट्स हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ ये है जलाल की चॉइस है और ये हम लोगों ने लिए मैं जुबैदा से, 3 आउटफिट्स हैं और तीनों में से जो भी उसकी दादी को उसकी पुप्पो को अच्छा लगेगा वो डॉक्टर को दे देंगी। और ये सारी चीज़ें हैं बेबी के लिए, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि हमें कोई और चीज़ चाहिए होगी। सो या अभी मैं दोबारा से चीज़ें वापस रख रही थी, पैक कर रही थी, तो एक चीज़ मैं भूल गई आप लोगों को बताना, ये मिटन्स हैं बेबी मिटन्स। ये मैंने सुना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बेबी के लिए, क्योंकि अभी बेबी को एकदम से नेल्स वगैरह उसके अगर हों या कुछ भी तो वो उसके फेस पे ना लग जाएं, सो ये मिटन्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। इसके अलावा भी अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई चीज़ है जो मिसिंग है और वो मैं नहीं बता सकी तो वो मैं आप लोगों को लाजमी इंस्टाग्राम पर बता दूंगी। वैसे एज फार एज आई नो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने कवर कर ली हैं, यही सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके अलावा जो अगर आपके पर्सनल एसेंशियल्स हैं कुछ या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं वो मैंने मेंशन नहीं की, तो बस वही चीज़ें चाहिए जो डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं आपको अपने लिए और बेबी की, तो मैंने तकरीबन सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। एक बस मेरी ये चीज़ है जिसमें मेरा ईमान है, जो मैं पढ़ती हूँ और क्या पढ़ती हूँ वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ, आयत करीमा पढ़ती हूँ, तो ये भी मेरे साथ साथ होगी, दैट्स इट। उसके बाद बस आपने जाना है और अपने बेबी को लेके आ जाना है इंशाल्लाह ताला खैर से। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, ढेर सारी दुआएं करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक लॉट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जलाल ने बाज नहीं आना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।